तो रोजाना बोले जाने वाले सेंटेंसेज की या फिर वर्ड्स की जो हमारी सीरीज चल रही है उसका ये नेक्स्ट वीडियो है। और आज की इस वीडियो में हम ऐसे वर्ड्स को कवर करेंगे जो कि हमारी स्पोकन इंग्लिश के लिहाज से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको वीडियो को सिर्फ लास्ट तक देखना है और आप देखना वीडियो को लास्ट तक जाते जाते आपकी जो वोकैब है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो चुकी होगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे वाया। वाया का मतलब होता है किसी के द्वारा, किसी चीज के द्वारा। अच्छा, आप कई बार बस स्टैंड पर जाते हैं या फिर बस अड्डे पर जाते हैं तो वहां पर आपने क्या देखा है कि किसी किसी टाइम टेबल के आगे लिखा हुआ आता है कि ये वाली जो बस है वाया इस स्थान से होकर जाएगी, यानी कि किसी स्थान से होकर जाना, किसी मार्ग से होकर जाना या फिर किसी चीज के द्वारा किसी चीज का होना, वहां पर हम वाया का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, यह बस हरियाणा होते हुए पटना जाएगी। वो ऐसा भी तो लिख सकते थे कि यह बस पटना जाएगी, लेकिन उन्होंने लिखा कि यह बस हरियाणा होते हुए पटना जाएगी, यानी कि हरियाणा के वहां से निकल कर होकर जाएगी। तो हरियाणा के लिए हम वाया का इस्तेमाल करेंगे। कैसे बोलेंगे? दिस बस गोज टू पटना वाया हरियाणा। यह जो बस है वो पटना जाती है कहां से? हरियाणा से होकर। ठीक है, नेक्स्ट है मुझे इसके बारे में राहुल से पता चला। इसके बारे में किसी चीज के बारे में, किसी बात के बारे में आपको किसी व्यक्ति से पता चला, किसी व्यक्ति के द्वारा पता चला। तो किसी चीज के द्वारा जब कोई काम होता है तो वहां पर हम वाया का इस्तेमाल करते हैं। कैसे बोलेंगे? आई केम टू नो अबाउट इट। मुझे इसके बारे में वाया राहुल। किससे पता चला? राहुल से पता चला। आई केम टू नो अबाउट इट वाया राहुल। तो इस तरह से आप वाया का इस्तेमाल कर सकते हैं किसी चीज के द्वारा। नेक्स्ट वर्ड है बिसाइड्स। बिसाइड्स का मतलब होता है किसी चीज के अतिरिक्त कि या फिर किसी चीज के अलावा। देखिए कैसे, क्या तुम इसके अलावा कोई और काम करते हो? मतलब जो तुम काम करते हो इसके अलावा तुम और कोई काम करते हो। तो आप कैसे बोलोगे? डू यू डू एनी अदर वर्क बिसाइड्स दिस, इस काम के अलावा। बिसाइड्स दिस वर्क डू यू डू एनी अदर वर्क, क्या तुम कोई और काम करते हो? तो इस तरह से के अतिरिक्त या के अलावा के लिए आप बिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं। राहुल पेप्सी के अतिरिक्त कुछ और पीता है, यानी कि आप किसी से कोई पूछ रहे हैं सवाल कि भैया राहुल को हमें पता है पेप्सी तो पीता ही है, इसके अलावा कुछ और पीता है। तो कैसे बोलोगे? डज राहुल ड्रिंक एनीथिंग एल्स बिसाइड्स दिस। डज राहुल ड्रिंक एनीथिंग एल्स, क्या राहुल कुछ और पीता है बिसाइड्स दिस, इसके अलावा। ठीक है, पेप्सी के अलावा। तो इस तरह से आप बिसाइड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं किसी चीज के अतिरिक्त या किसी चीज के अलावा। नेक्स्ट है बिसाइड। एक है बिसाइड्स, इसमें ES लगा हुआ पीछे और इसमें खाली E लगा हुआ है, बिसाइड। बिसाइड का मतलब क्या होता है? किसी चीज के साइड में या फिर किसी चीज के बगल में बैठता। अब जैसे आपके बगल में कोई आके बैठ जाता है तो उसको बताने के लिए हमें बिसाइड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपकी साइड में आकर कोई खड़ा हो जाता है, बैठ जाता है, किसी काम को करने लगता है, तो वहां पर भी हमें बिसाइड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे कि वह मेरी बगल में आकर बैठा। अब कोई व्यक्ति था, आप मान लीजिए पार्क में गए थे और आप आराम से बैठे हुए थे बेंच पर। अब कोई व्यक्ति आया और आपके आकर बगल में बैठ गया। अब आप अपने घर बता रहे हैं कि भाई वो पता नहीं कौन था मेरे बगल में आकर बैठ गया। तो कैसे बोलोगे? ही केम, वह आया एंड सेट बिसाइड मी, और मेरे साइड में आकर बैठ गया, मेरे बगल में आकर बैठ गया। पापा मेरे साइड में चल रहे थे, पापा मेरी साइड में चल रहे थे या फिर पापा मेरे बगल की तरफ चल रहे थे साइड में। कैसे बोलेंगे? पापा वाज वॉकिंग बिसाइड मी, पापा वाज वॉकिंग बिसाइड मी, पापा मेरी साइड में चल रहे थे। तो इस तरह से आप बिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब होता है किसी चीज के पीछे, किसी ऐसी चीज के पीछे जो वहां पर हो लेकिन हमें दिखाई ना देती हो। अब जैसे आकाश के पार बहुत कुछ है, हमारा जो ब्रह्मांड है, हमारा जो आकाश है, स्काई है, इसमें हमें जो चीजें दिखती हैं इतना ही थोड़ी है, इसके पीछे भी बहुत सारी चीजें हैं। किसी चीज के पीछे, बिहाइंड द सीन, कई बार बोलते हैं ना बिहाइंड द सीन, सीन के पीछे कुछ ना कुछ तो है लेकिन हमें दिखाई नहीं देता है ना, लेकिन वहां पर है। तो कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे तुम्हारी सफलता के पीछे कौन है? तो हम कैसे बोलेंगे? हु इज बिहाइंड योर सक्सेस, हु इज बिहाइंड योर सक्सेस। तो तुम्हारी सफलता के पीछे कौन है, किसी चीज के पीछे कौन है? अब ऐसा तो हो नहीं कि वो पीछे खड़ा है सफलता के, सफलता कोई व्यक्ति थोड़ी है, सफलता तो एक मतलब वो है जो हासिल की जाती है, हासिल की जाने वाली चीज है ना। एक तरह से आप लगा सकते हैं फीलिंग है, एक कामयाबी है। सफलता तुम्हारी सफलता के पीछे कौन है? तो हु इज बिहाइंड योर सक्सेस। तुम्हारा घर बैंक के पीछे है, तो कैसे बोलेंगे? हमारा घर बैंक के पीछे है। अवर हाउस इज बिहाइंड द बैंक, अवर हाउस इज बिहाइंड द बैंक, हमारा जो घर है
वो हमारे किसके पीछे है, बैंक के पीछे है। तो किसी चीज के पीछे के लिए आप बिहाइंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है मीन्ट टू बी। मीन्ट टू बी का मतलब होता है कि कोई चीज किसी चीज के लिए होती है। अब जैसे कोई चीज किसके लिए होती है, अब जैसे पढ़ाई किस लिए होती है, हम पढ़ाई किस लिए करते हैं, ताकि हम अच्छी सी जॉब कर सकें, भविष्य में जाकर अच्छा सा कमा सकें, है ना, अपने बच्चों को अच्छे से पाल सकें, उनका अच्छा पालन पोषण कर सकें और अपनी लाइफ को अच्छे से जी सकें, इसीलिए हम पढ़ाई करते हैं। तो कोई चीज़ किसी चीज़ के लिए होती है, वहाँ पर आप मीन्ट टू बी का इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे कि आप बोल सकते हैं चाय तो पीने के लिए होती है, और किसके लिए होती है भाई, चाय तुम लेकर आए हो, ये पीने के लिए ही तो होती है, नहाने के लिए थोड़ी होती है, ठीक है, तो पीते हैं हम चाय को। तो कैसे बोलेंगे, टी इज मीन्ट टू बी ड्रंक, टी इज मीन्ट टू बी ड्रंक, टी किसके लिए होती है, पीने के लिए होती है, ठीक है। नेक्स्ट है फिल्म देखने के लिए होता है या फिर होती है, अब भाई फिल्म किसके लिए होती है, देखने के लिए तो होती है, या फिर मतलब खाने के लिए होती है, खाने के लिए थोड़ी होती है फिल्म, मूवीज वगैरह जो होती हैं वो तो देखने के लिए होती हैं। तो कैसे बोलेंगे, फिल्म्स आर मीट टू बी वॉच्ड। अब मान लीजिए कि आप मूवी लेकर आए हो अपने पेन ड्राइव में भरवा के और घर पे आराम से देख रहे हो, आपके पापा जी आते हैं, भाई दिन भर मूवी देखता रहता, कुछ और देख लिया कर, तो आप बोल रहे हैं पापा जी फिल्म देखने के लिए तो होती है और किसके लिए होती है, तो फिल्म्स आर मीन्ट टू बी वॉच्ड। तो इस तरह से मीन्ट टू बी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है केप्ट ऑन। केप्ट ऑन का मतलब होता है करते रहना। एक है कीप। कीप का मतलब भी, मतलब कोई चीज जब कंटिन्यूटी में रखते हैं उसके लिए यूज होती है, और केप्ट का मतलब भी होता है, लेकिन केप्ट क्या होती है, केप्ट आपकी पास्ट की तरफ लेकर जाती है कि कोई व्यक्ति किसी काम को करते रहा, जैसे वो खेलता रहा, जागते रहे, पढ़ते रहा, है ना, ऐसे। स्ट्रक्चर क्या करता है इसका, सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए। स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर आपको केप्ट ऑन लिखना है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगी और ऑब्जेक्ट आएगा। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये गलती से आपने फोर्थ क्यों लिख दिया, फोर्थ कौन सी फॉर्म होती है, तो जब आप वर्ब की फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, तो उसी को वर्ब की चौथी फॉर्म बोला जाता है। राहुल पूरे दिन इंग्लिश ही पढ़ता रहा, यानी कि राहुल ने कुछ नहीं किया, राहुल डिड नथिंग बट क्या करता रहा, इंग्लिश ही पढ़ता रहा, राहुल ने पूरे दिन कुछ भी नहीं किया, इंग्लिश ही पढ़ता रहा, कोई किसी काम को करते ही रहा, वहां पर आप केप्ट ऑन का इस्तेमाल करेंगे। कैसे बोलेंगे, राहुल केप्ट ऑन लर्निंग इंग्लिश, राहुल केप्ट ऑन लर्निंग इंग्लिश थ्रू आउट द डे, पूरा दिन। थ्रू आउट का मतलब है पूरा दिन या सारा दिन, ठीक है, तो राहुल पूरे दिन अंग्रेजी पढ़ता रहा, तो राहुल केप्ट ऑन लर्निंग इंग्लिश थ्रू आउट द डे। वो उसे देखता ही रहा, यानी कि उसने और कोई काम ही नहीं किया उसको देखने की सवा, वो उसे देखता ही रहा, ठीक है। तो कैसे कहेंगे, ही केप्ट ऑन वॉचिंग दैट, ही केप्ट ऑन वॉचिंग दैट, वो सिर्फ उसे देखता ही रहा। तो इस तरह से आप केप्ट ऑन का इस्तेमाल कर सकते हैं करता ही रहा वाले सेंस में। नेक्स्ट है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है किसी चीज को छोड़कर। एक होता है एक्सेप्ट, ACEPT, एक्सेप्ट। एक होता है एक्सेप्ट, इसका मतलब होता है किसी चीज को छोड़कर, जैसे कि रविवार को छोड़कर दुकान रोज खुलती है। तो कैसे बोलेंगे, शॉप इज ओपन एवरी डे, जो शॉप है वो रोजाना खुलती है एक्सेप्ट संडे, संडे को छोड़कर। सिर्फ संडे को ही नहीं खुलती, बाकी और सारे दिन खुलती है ना। जैसे आप किसी से पूछते हैं ना भाई आपकी दुकान कब कब खुलती है, तो आपको बताता है भाई संडे को नहीं खुलती, बाकी एवरी डे खुलती है ना। तो कैसे बोलोगे, राहुल के अलावा हर कोई पास हो गया, तो हमें बोलना है एवरीवन पास्ड, सभी पास हो गए एक्सेप्ट राहुल, राहुल को छोड़कर सभी पास हो गए। तो इस तरह से आप एक्सेप्ट का यूज कर सकते हैं किसी चीज को छोड़कर वाले सेंस में। नेक्स्ट है हमारा आउट ऑफ। आउट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज के बाहर, या फिर किसी चीज में से जब आपकी कोई चीज आ जाती है ना। आउट का मतलब तो बाहर ही होता है। एग्जाम्पल देखिए, मैं अपने घर के बाहर कभी नहीं गया, तो आप अपने लोगों को बता रहे हैं, अपने दोस्तों को बता रहे हैं, भाई मैं तो अपने घर के बाहर कभी गया ही नहीं। कैसे बोलोगे, आई नेवर वेंट आउट ऑफ माई विलेज, आई नेवर वेंट आउट ऑफ माई विलेज। या फिर आप हाउस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, आई नेवर वेंट आउट ऑफ माई हाउस, मैं अपने घर के बाहर कभी नहीं गया, या फिर मैं अपने गांव के बाहर कभी नहीं गया। तो आपको जिसके बाहर नहीं गया उसके लिए आपको यहाँ पर रिप्लेस कर देना है विलेज के स्थान पर। घर के बाहर नहीं गए तो आपको हाउस लिख देना है, सिटी के बाहर नहीं गए तो सिटी लिख देना है, कंट्री के बाहर नहीं गए तो कंट्री लिख देना है, स्टेट के बाहर नहीं गए तो स्टेट लिख देना है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आप कहाँ तक गए हैं। रविवार तक वह गाँव के बाहर है, तो कैसे बोलोगे, ही इज आउट ऑफ विलेज अंटिल संडे, ही इज आउट ऑफ विलेज अंटिल संडे। रविवार तक वो कहाँ है, गाँव के बाहर है, आउट ऑफ द विलेज, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
नेक्स्ट है थ्रू आउट। थ्रू आउट का मतलब होता है सारा या फिर पूरा, सारा समय या फिर पूरा समय। कई बार बोलते हैं ना वो सारा समय खेलता ही रहता है, वो पूरा समय फोन ही चलाता रहता है। तो सारा या फिर पूरा यानी कि एक पूरी कंप्लीट टाइम ड्यूरेशन को बताने के लिए आप थ्रू आउट का यूज करते हैं। जैसे कि वह सारी रात नहीं सो पाया, मतलब पूरी रात उसने कोई काम ही नहीं किया, वो सो ही नहीं पाया। क्यों? पता नहीं उसको क्या हो गया था, उसके सर में दर्द हो गया, जन पेट में दर्द हो गया, वो सो ही नहीं पाया। तो कैसे बोलेंगे? ही कुडंट स्लीप, ही कुड नॉट स्लीप थ्रू आउट द नाइट। वह सारी रात सो नहीं पाया या सो नहीं सका। अच्छा, हमने इसमें कुड का इस्तेमाल क्यों किया? आपको पता है ना, कोई किसी काम को कर पाया या नहीं कर पाया, कर सका या नहीं कर सका पास्ट में, वहां पर आप कुड का इस्तेमाल करते हैं। ही कुडंट स्लीप थ्रू आउट द नाइट। उसने सारी रात फोन चलाया, उसने और कोई काम ही नहीं किया, पूरी रात फोन चलाया। तो कैसे बोलेंगे? ही ऑपरेटेड द फोन थ्रू आउट द नाइट। ही ऑपरेटेड द फोन थ्रू आउट द नाइट। उसने सारी रात फोन चलाया। ठीक है, तो थ्रू आउट का मतलब होता है सारा या फिर पूरा। नेक्स्ट है राइट अवे। राइट अवे का मतलब होता है अभी के अभी, बिल्कुल अभी या फिर फौरन। जैसे कि आप बोलते हैं ना अभी के अभी जाओ, बिल्कुल अभी जाओ, फौरन जाओ, तो आप राइट अवे का इस्तेमाल करते हैं। इसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, फिर आपको वर्ब लिखनी है, फिर आपको अदर वर्ड्स लिखने हैं, और लास्ट में आपको राइट अवे लिखना है। जैसे कि वह अभी आएगा। अब जैसे आप कोई व्यक्ति आता नहीं है तो आप फोन करके गुस्सा हो जाते ना, भाई अभी आएगा, अगर अभी नहीं आएगा तो कभी नहीं आएगा, अभी आएगा। वो कैसे बोलोगे? ही विल कम राइट अवे, ही विल कम राइट अवे, वह अभी आएगा। वो मेरा काम जाते ही करेगा, यानी कि वो मेरा काम जाते ही कर देगा, फौरन कर देगा जाते ही, है ना। कई बार बोलते हैं ना वो मेरा काम फौरन कर देगा जाते ही, तो कैसे बोलोगे? ही विल डू माई वर्क राइट अवे, ही विल डू माई वर्क राइट अवे। तो वहां पर आप राइट अवे का इस्तेमाल करते हैं। किसी काम को अभी के अभी करना है, अभी के अभी करेगा, बिल्कुल अभी करेगा, फौरन करेगा, वहां पर आप राइट अवे का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है टू वर्ड्स। टू वर्ड्स का मतलब होता है किसी चीज की तरफ या फिर किसी चीज की ओर। जैसे आप किसी चीज की तरफ जाते हैं, किसी चीज की ओर जाते हैं, तो आप टू वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। वह हमारी तरफ आ रहा है, तो कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे ही इज कमिंग टू वर्ड्स अस, ही इज कमिंग टू वर्ड्स अस, वह हमारी तरफ आ रहा है। अच्छा, किसी चीज की तरफ, मान लीजिए कि आप मार्केट में गए हैं और आप अपने दोस्त को बताकर नहीं आए, अब वो आपको ढूंढता ढूंढता मार्केट में ही पहुंच गया। अब आप बोल रहे हैं यार वो तो हमारी तरफ ही आ रहा है, यानी कि आपकी तरफ, आपकी ओर आ रहा है, किसी डायरेक्शन में आ रहा है ना, तो डायरेक्शन को बताने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ही इज कमिंग टूवर्ड्स अस, मैं बाजार की तरफ जा रहा हूं। तो कैसे बोलेंगे? आई एम गोइंग टूवर्ड्स मार्केट। मान लीजिए किसी ने आपसे फोन करके पूछा कि भाई कहाँ हो, कहाँ जा रहे हो, तो आपने बोला कहीं नहीं यार, मैं बाजार की तरफ जा रहा हूँ, बस कुछ सामान है, कुछ सामान लेकर आना मुझे। तो आई एम गोइंग टूवर्ड्स मार्केट, मैं बाजार की तरफ जा रहा हूँ। नेक्स्ट है रन आफ्टर। रन आफ्टर का मतलब होता है किसी चीज के पीछे लगना या किसी चीज के पीछे भागना। जैसे आप किसी चीज के पीछे भागते हैं ना, अब देखिए कैसे, वो मेरे पीछे पीछे फिर रहा है या फिर भाग रहा है, फिरना और भागना एक ही बात है, तो पीछे पीछे भाग रहा है। तो कैसे बोलेंगे? ही इज रनिंग आफ्टर मी, ही इज रनिंग आफ्टर मी। पैसे के पीछे मत भागो, पैसा आपके पीछे भागेगा। कई बार बोलते हैं ना, डोंट रन आफ्टर मनी, मनी विल रन आफ्टर यू। सक्सेस के पीछे मत भागो, सक्सेस खुद तुम्हारे पीछे भागेगी। अपने डायलॉग तो सुना होगा ना, तो डोंट रन आफ्टर मनी, मनी विल रन आफ्टर यू। तो इस तरह से आप रन आफ्टर का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड का मतलब होता है एग्जॉस्टेड, थका हुआ, जब आप पूरी तरह से थक जाते हैं। देखिए, वहां से लौटने के बाद में थक गया, तो कैसे बोलेंगे? आई गॉट एग्जॉस्टेड आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम देयर, मैं वहां से आने के बाद बिल्कुल थक गया, है ना। आई गॉट एग्जॉस्टेड आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम देयर, मैं उसके बहानों से थक गया हूँ। तो बोलेंगे आई हैव बीन एग्जॉस्टेड ऑफ हिज एक्सक्यूजेस, आई हैव बीन एग्जॉस्टेड ऑफ हिज एक्सक्यूजेस, मैं उसके बहानों से थक गया हूँ। तो किसी चीज से थक जाना। नेक्स्ट है एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब होता है क्षमता या फिर योग्यता। जब आप किसी की क्षमता के बारे में बात करेंगे, योग्यता के बारे में बात करेंगे, तो आपको एबिलिटी का यूज करना है। जैसे कि उसे हिंदी बोलने की क्षमता हासिल कर ली है, उसने हिंदी बोलने की क्षमता हासिल कर ली है, तो कैसे बोलेंगे? ही हैज एक्वायर्ड द एबिलिटी टू स्पीक हिंदी। एक्वायर्ड का मतलब होता है कोई चीज हासिल कर लेना, कोई चीज एब्जॉर्ब कर लेना, कोई उपलब्धि हासिल कर लेना, है ना। तुम में मेरा काम करने की योग्यता है, तो बोलेंगे यू हैव द एबिलिटी टू डू माई वर्क, यू हैव द एबिलिटी टू डू माई वर्क, तुम्हें मेरे काम को करने की योग्यता है, क्षमता है। तो इस तरह से आप एबिलिटी का यूज करेंगे।
नेक्स्ट है डिनाय। डिनाय का मतलब होता है मना करना या फिर किसी चीज के लिए इनकार कर देना। जैसे कि रेहा राहुल ने नेहा के बारे में कुछ भी बताने से इनकार कर दिया, राहुल ने उसके बारे में कुछ नहीं बताया, तो बोलेंगे राहुल डिनाइड, क्योंकि डिनाइड इसलिए आया क्योंकि पास्ट का इंडेफिनेट है। तो राहुल डिनाइड रिवीलिंग, रिवीलिंग का मतलब होता है किसी चीज के बारे में बताना, एनीथिंग अबाउट नेहा, रिवील करना, उसके भेद को खोलना, है ना। तो राहुल डिनाइड, राहुल ने मना कर दिया रिवीलिंग एनीथिंग अबाउट नेहा, नेहा के बारे में बताने के लिए। नेताजी ने तुरंत सभी आरोपों का खंडन कर दिया, तो बोलेंगे नेताजी इमीडिएटली डिनाइड ऑल द एलिगेशंस। एलिगेशन का मतलब होता है आरोप, तो नेताजी ने तुरंत सभी आरोपों का खंडन कर दिया, नेताजी इमीडिएटली डिनाइड ऑल द एलिगेशंस। ठीक है, इस तरह से आप डिनाइड का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको एक सेंटेंस देता हूं, देखते हैं कितने बच्चे इसे ट्रांसलेट कर पाते हैं। अंग्रेजी के अलावा तुम और क्या पढ़ते हो, अंग्रेजी के अलावा तुम और क्या पढ़ते हो, तो इसको आपको कमेंट करके बताना है कि इसकी सही इंग्लिश क्या होगी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।